नाउ वी वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस गिवन प्रॉब्लम, आई मीन ये NFA है आपका, इसे आपको DFA में कन्वर्ट करना है. तो NFA टू DFA अगर हमें कन्वर्ट करना है तो मैंने आपको बताया था पहले आप इसे एक टेबल में कन्वर्ट कर लो. वॉट एवर पिक्चर इज गिवेन हियर NFA, उसे सबसे पहले आपको टेबल में बनाना. तीन स्टेट्स हैं और दो इनपुट हैं, ए और बी. इनपुट ले लिया, दिस वाज द स्टेट क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू. क्यू नॉट को अगर आप ए दे रहे हैं तो ये क्यू नॉट और क्यू वन पे जा रहा है. क्यू नॉट को अगर आप बी दे रहे हैं तो क्यू नॉट पे जा रहा है. क्यू वन को अगर आप ए दे रहे हैं तो ये फाई है या डैश छोड़ सकते हैं. बी देते हैं तो ये क्यू टू पे जा रहा है. देन क्यू टू कहीं पे भी नहीं जा रहा, ना ए के लिए ना बी के लिए, तो मैंने फाइव फाइव लिख दिया. और यू कैन राइट हियर डैश ऑल्सो, आई मीन ब्लैंक छोड़ सकते हैं. तो नाउ दिस इज द टेबल फॉर द गिवन पिक्चर हियर. नाउ कम टू दिस पॉइंट यहाँ पे कि अब हमें इसे NFA में कैसे. तो स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल स्टेट, इस टेबल का इनिशियल ये है और ये फाइनल है. तो हमने इनिशियल स्टेट का स्टेट लिया, दैट इज द क्यू नॉट. क्यू नॉट से स्टार्ट करेंगे एंड व्हेन क्यू नॉट इज गेटिंग द इनपुट एज अ ए. इनपुट अगर हम इसे ए दे रहे हैं तो सी दैट क्यू नॉट को वेन एवर वी आर प्रोवाइडिंग द इनपुट एज अ ए टू द क्यू नॉट, देन द न्यू स्टेट विल बी दिस, दैट इज नथिंग बट द क्यू नॉट कॉमा क्यू वन हमने लिखा. नाउ दिस इज द फॉर द इनपुट ए. व्हेन क्यू नॉट इज गेटिंग इनपुट एज अ बी, देन कहाँ पे जा रहा है, ये सेल्फ पे जा रहा है. दैट मीन्स ये यहाँ पे आ जाएगा बी के लिए. तो वॉट आफ्टर टेकिंग दिस ए बी एज अ इनपुट फॉर क्यू नॉट, वी गॉट द वन न्यू स्टेट, दैट इज नथिंग बट द क्यू नॉट एंड क्यू वन. अब क्यू नॉट एंड क्यू वन को इनपुट एज अ ए हम देते हैं तो देखते हैं ये कहाँ जाएगा. Q0 को अगर आपने A दिया तो ये Q0 और Q1 पे जा रहा है, एंड Q1 को अगर हमने A दिया तो ये फाई पे जा रहा है. इन दोनों का यूनियन अगर आप लेते हैं, आई टोल्ड दिस मैथड कि क्यों इन दोनों का आप यूनियन करेंगे तो देन द आंसर विल बी दिस, यानी कि A के लिए ये सेल्फ पे आ रहा है. B की अगर हम बात करें कि अगर हमने इसको यहाँ पे B दिया, Q0 Q1 को अगर हम B देते हैं तो Q0 को अगर हमने B दिया तो ये Q0 पे गया, और Q1 को अगर हमने B दिया तो ये Q2 पे जा रहा है. यानी कि न्यू स्टेट जो होगा B के लिए वो आ जाएगा आपका Q0 कॉमा Q2 एंड पुट दिस सर्कल. अब हमारे पास देखिए अगेन वी गॉट द न्यू स्टेट, दिस इज द Q0 Q2. नाउ Q अगेन फॉर दिस अगेन हम यहाँ पर इसे A देंगे और B देंगे. तो अगर Q0 यहाँ पे रफली कैलकुलेट कर ले रहे हैं, Q0 को अगर हमने A दिया तो ये जाएगा हमारा Q0 एंड Q1, और Q1 Q2 को सॉरी A देते हैं तो ये कहाँ जाएगा आप देख सकते हो. Q2 को A दे रहे हैं तो फाइन, दोनों को यूनियन करोगे तो ये देखो आ जाएगा Q0 Q1, दैट मीन्स ये यहाँ पर आ जाएगा A के लिए. वापस ये यहाँ पे आ गया A के लिए, ये आ गया. अगर हम इसे B प्रोवाइड करते हैं इंस्टेड ऑफ द A, अगर हम ये देखें कि Q0 को अगर हमने B दिया तो ये जाएगा Q0, आप देखो Q0 यहाँ पे B के लिए, और Q2 को अगर हमने B दिया तो ये Q2 पे, तो दैट इज Q0 Q2 आ जाएगा, यानी B के लिए ये सेल्फ पे आ जाएगा. अब नाउ दिस स्टेट डज नॉट क्रिएट एनी न्यू स्टेट, तो हम अपना जो प्रोसेस है वो यहीं पे स्टॉप कर देंगे. आई मीन अब यहाँ पे इसने कोई नया स्टेट जनरेट ही नहीं किया. क्या चीज Q0 पे जाना चाहिए था ना, एक सेकेंड Q1 है, ले लिया मैंने. एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ पे Q0 को अगर आपने B दिया तो ये Q0 पे जा रहा है, और Q2 को दे रहे हैं तो ये फाई दे रहा है. इन दोनों का यूनियन Q0 पे. ओके ओके करेक्ट, यहाँ पे दैट इज ये सेल्फ पे ना जाके ये यहाँ पर जाएगा. यानी इसे हमने B दिया तो हमारे पास यूनियन करके आएगा Q0, दैट मीन्स ये यहाँ पे जाएगा B. मैंने Q1 देख लिया था ना, तो B यहाँ पर जा रहा है. तो अब देखिए इसने कोई नया स्टेट जनरेट नहीं किया, तो हम यहाँ पे ये प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे. बट अभी एक चीज़ रह गया कि व्हाट विल बी द फाइनल स्टेट. तो आप NFA का फाइनल स्टेट देखिए, तो ये यहाँ पे ये Q2 है, जहाँ जहाँ पे Q2 होगा उसको हम फाइनल स्टेट बना देंगे. तो ये हो गया हमारा फाइनल, क्योंकि इसमें Q2 और कहीं पे Q2 नहीं है. तो ओनली दिस विल बी द फाइनल स्टेट. तो दिस इज द फाइनल डायग्राम ऑफ द DFA. तो नाउ दिस इज द DFA. कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी यू आर आस्किंग ना मैम, बस वो स्टेट